भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कंफर्टेबल है। ऋषभ बिल्कुल अकेले पड़ जा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखिए लगातार मुकाबले में रोमांच, आदि बिल्कुल अकेले, आदित्य 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 आदि, आओ ज्ञान आदित्य का क्वाड्रा किल। तेजी से आगे बढ़ते हुए जीजी की स्पोर्ट्स मुसीबत में। ज्ञान गेमिंग की बात हुई है तो खिलाड़ी नॉकआउट, और ये क्या, जब तक मार्टिन नॉकआउट हुए तब तक पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दी ज्ञान गेमिंग ने। तो आते ही शुरू हो गया, आयुष शेट्टी को नॉकआउट कर दिया, प्रविंद्रो भी नॉकआउट, आयुष शेट्टी भी नॉकआउट। रिवाइव देने की कोशिश किया अपने कप्तान को, नहीं पाएंगे सही वक्त पे, और जबरदस्त शॉट, जबरदस्त शॉट, प्रविंद्रो को रिवाइव भी मिलता हुआ और पूरी टीम को सामने से एलिमिनेट कर दिया। लेकिन क्लू नहीं लगे, ज्ञान गेमिंग पहुंच गए, पहुंच गया ज्ञान गेमिंग, ज्ञान गेमिंग सही टाइम पे पहुंचे। स्काइलर का इस्तेमाल, सारी क्लू बॉल गायब, सिक्स हेड के प्रविंद्रो भी शायद ही अब बचा पाएंगे अपनी टीम को। स्काइलर का बखूबी इस्तेमाल कर रहे ज्ञान गेमिंग, ज्ञान गेमिंग ने वहां पे पूरी की पूरी सिक्स हेड के पड़खच्चे उड़ा दिए। अरे बाप रे बाप, सिक्स हेड के सिर्फ प्रविंद्रो बचे हैं और पूरी की पूरी ज्ञान गेमिंग ने तबाही मचा दी। सात किल, एक बार फिर से, लेकिन इस बार प्रविंद्रो नॉकआउट, मार्टिन भी नॉकआउट, मार्टिन भी नॉकआउट हुए, प्रविंद्रो भी ओके। रिवाइव मिल जाएगा आसानी से, एस स्ट्रीम के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश और जल्दी करना पड़ेगा, वरना अगर बैकअप के लिए खिलाड़ी पहुंच गए। ज्ञान गेमिंग के प्लेयर ने अपने ही प्लेयर का बॉल तोड़ दिया था, लेकिन ये कामयाब रहा बीस पैक का इस्तेमाल करते हुए। फिर से आगे बढ़ते हुए राज, रिवाइव सबको मिल चुका है। ज्ञान गेमिंग अब करारा हमला कर रही है वहां पे। भाई साहब ज्ञान गेमिंग कमाल खेल रही है, 4v4 में कमाल खेल रही है। जी जी सामने खड़े हैं प्लेयर्स एंड यहां पे राज थक ने, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो राज ने यहां पे लगभग ये दो किल दर्ज कर लिए। इस तरह खिलाड़ी भी नॉकआउट है, वो भी राज ने जी क्वाड्रा किल कर सकते हैं। ज्ञान गेमिंग यहां पे पूरी तरीके से तैयार। रावण भाई, अगर कभी ज्ञान गेमिंग ईस्पोर्ट चैंपियन बनती है, मैं तो उनको जरूर याद दिलाऊंगा इस टूर्नामेंट के बारे में कि ये वो टूर्नामेंट था जहाँ पे पहली बार हमने देखा कि ज्ञान गेमिंग इस नई नवेली ईस्पोर्ट टीम ने क्या उधम मचाया था। सामने खड़ी है सिक्स सेंस के ऊपर हमला करते हुए ज्ञान गेमिंग, पूरी ताकत से तैयार। सामने की ओर से काउंटर अटैक आता हुआ मिस्टर राज थग यहाँ पे देख चुके हैं। ज्ञान ऋषभ की ओर से यहाँ पे मेहुल के ऊपर हमला, पहला शॉट नॉकआउट, सामने की ओर से हमला आ रहा है, ग्रुप बॉल लगाने की जल्दी आवश्यकता, पहला खिलाड़ी डाउन, दो खिलाड़ी नॉक कर दिया, रिवाइव भी मिल जाएगा। ज्ञान गेमिंग यहाँ पे कमाल के फॉर्म में 10 किल मार दिए हैं यहाँ पे, और अब सामने बचे हैं बंदे दो सक्षम राइट हैंड साइड में अकेले। अगर नेड है सक्षम के पास तो पूरी ज्ञान गेमिंग एलिमिनेट हो सकती है। लूपी सिंह और हिरदो के पास मौका, दोनों तरफ दो खिलाड़ियों ने खेल लिया, लेकिन ये क्या, रावण भाई नीचे मॉन्स्टर ट्रक खड़ी थी और ज्ञान गेमिंग के पास सॉलिड डिफेंस। दिस इज अनस्टॉपेबल टीम ऑफ जीजी, जीजी की टीम अनस्टॉपेबल, गाड़ियों की मदद से स्टोनर आगे बढ़े और उड़ा के वहां पे हिरदो को एलिमिनेट कर दिया। अब अकेले लूपी सिंह और वहां पे सक्षम रह गए हैं। सक्षम ने कोशिश करी थी मॉन्स्टर ट्रक से आगे बढ़ने की, सक्षम की मॉन्स्टर ट्रक को हवा में ही चला दिया। लूपी सिंह एलिमिनेट, सक्षम बिल्कुल अकेले सक्षम के ऊपर हमला और ज्ञान गेमिंग का 10 किल के साथ पहले मुकाबले में पुया 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 जी गाइस। एट सिक्स सेंस और ज्ञान गेमिंग के बीच में ऐतिहासिक लड़ाई। राउंड भाई देखिए मार्टिन को आगे कर दिया, इन सब जद्दोजहद में मार्टिन सही सलामत आगे निकल गए। एस सिंह को नॉकआउट कर दिया, किल सिक्योर। क्या कोऑर्डिनेशन है भाई, ज्ञान गेमिंग तबाही मचा कर खेल रही है यहाँ पे। और राउंड भाई ये अगर क्वालिफाई कर गए ना, ये दिक्कत में डालेंगे ग्रैंड फिनाले में अच्छी अच्छी टीमों को, क्योंकि और यहाँ पे मार्टिन बाल बाल बच गए, स्टोनर भी पहुंच गए जोन में। बाप रे बाप, सॉलिड कोऑर्डिनेशन, जोन अगेंस्ट में था उसके बावजूद भी जीजी यहाँ पे लगभग रावण भाई बुया के पोजीशन में। अरे भाई साहब, रावण भाई ये एक बार फिर से मुझे लगता है बिना एक भी बंदा खोए बुया निकाल सकते हैं। मार्टिन का कॉन्फिडेंस तो देखने लायक है। एक और खिलाड़ी एलिमिनेट, 4v1 भाई, ज्ञान गेमिंग इज अनस्टॉपेबल भाई, माता समा गई, टेक अ रिस्पेक्ट ज्ञान गेमिंग। जोन अगेंस्ट में सामने खड़ी दो से तीन टीमें, ज्ञान गेमिंग ने एक बार फिर से बोला रावण भाई, वो क्या कहावत है इनकी, बोल कर नहीं खेल कर दिखाएंगे।
#GG in the chat guys. अब हल्का सा जोन है लेकिन रिज का कवर भी है तो आसानी से ऊपर तक तो जा सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कितनी हेल्थ बचेगी ये डिपेंड करेगा। अगर जिस तरीके से उन्होंने पुरगैत्री का मैप निकाला था उस तरीके से कोऑर्डिनेट, ओह भाई व्हाट अ वन टैप दैट वाज, व्हाट अ एपिक वन टैप दैट वाज बाय मार्टिन। ऋषभ जरूर नॉकआउट हुए लेकिन मार्टिन के उस वन टैप ने हिला के रख दिया फ्रीज बैंक, बट मार्टिन को छू नहीं पाए। एक और नेट डाली गई है मार्टिन की ओर से भी, एक और नेट यहां पे पूरी कोशिश करते हुए। ऋषभ को अभी तक रिवाइव नहीं मिला है लेकिन काउंटर अटैक जारी। ऋषभ को रिवाइव देने की वजह यहाँ पे तीनों खिलाड़ियों ने लड़ना ज्यादा वाजिब समझा, लड़ना उचित भी है क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे चांसेस भी हैं। बाइक आ गए, उड़ा दिया स्टोनर को, बच गए। मार्टिन भी नॉकआउट लैंडमाइन से। मिस्टर राज थक के ऊपर अब पूरा प्रेशर रहेगा, मिस्टर राज थक के ऊपर पूरा प्रेशर रहेगा। मार्टिन को रिवाइव नहीं मिल पाएगा और स्टोनर बिल्कुल अकेले, स्टोनर बिल्कुल अकेले। स्टोनर के पास अब यहाँ पे आरिया पार की लड़ाई लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। फैब इंद्रो क्या अकेले भूया निकाल पाएंगे, क्या फैब इंद्रो यहाँ पे अकेले भूया निकाल पाएंगे? फैब इंद्रो ने वहां पे किल निकाल लिया, 14 किल यहाँ पे दर्ज कर चुकी है द टीम ऑफ ज्ञान गेमिंग। नाउ इट्स फैब इंद्रो वर्सेस ज्ञान गेमिंग। देखिए ये होता है एक्सपीरियंस, फैब इंद्रो अकेले 1v3 का क्लच निकाल के यहाँ पे भूया दिला पाएंगे। और यहाँ पे तंदूर बना लिया है इंद्रो भाई ने और खुशी का इजहार करते हुए इंद्रो भाई, और यहाँ पे देखते हैं क्या होने वाला है। लेकिन इसी बीच ज्ञान गेमिंग का 15 किल और भूया 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 जीजी ने यहाँ पे 15 किल बुया 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 कर दिया। तो गाइस 4 में से 3 मैच में बुया कर दिया है यहाँ पे ज्ञान गेमिंग ने। शॉट राज अपना 5वां किल दर्ज कर दिया, मिस्टर राज तक अकेले ज्ञान गेमिंग की टीम संभाल के रखा हुआ है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे राज तक सामने खड़े लेजेंड के ऊपर हमला करना चाहते हैं। राज राज और लेजेंड आमने सामने, जबरदस्त शॉट हेड के बावजूद भी मैक्सिमम कम डैमेज जो आता है उस वजह से यहाँ पे बात नहीं बन रही है। राज को कोई बड़ा इनकाउंटर करना पड़ेगा। एक बार फिर से हमला राज ने, ओह माय गॉड, ओह राज का एक और क्लच, एक और क्लच। मिस्टर राज तक अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में, मिस्टर राज तक सामने खड़े कोंगारी। ये मैच अगर बुया किया तो ज्ञान गेमिंग एक बार फिर से 6 में से 4 मैच बुया करके इतिहास रच देगी, जो बहुत ही आसान लगता है। मार्टिन का एक और किल, कोंगारी बनाम राज, कोंगारी और कोंगारी को भी खत्म कर दिया 10 किल के साथ ज्ञान गेमिंग का। बुया 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 और यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड कायम किया ज्ञान गेमिंग से। नॉकआउट हो चुके हैं ज्ञान गेमिंग प्लेयर और इसका मतलब टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स ने ज्ञान गेमिंग को रोक लिया। अब ये मुकाबला अब ये मुकाबला टोटल गेमिंग जीत सकती है, क्योंकि अगर आप देखें जैसा कि मैंने कहा था टॉप 3 तक पहुंच जाएंगे टीजी, इसमें कोई डाउट ही नहीं था। टॉप 3 तक टीजी, दो खिलाड़ी डाउन, टोटल गेमिंग के 3 और क्वाड्रा किल ज्ञान गेमिंग की ओर से। मिस्टर रास्ता का क्वाड्रा किल, ज्ञान गेमिंग ने क्वाड्रा किल किया। देखे ज्ञान गेमिंग पहुंच तो गए लास्ट जोन तक, लेकिन अब इनका पोटेंशियल